प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सोमनाथ में विभिन्न परियोजनाओं का किया शुभारंभ। नारायणपुर जिले में माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बल के 2 जवान शहीद। मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों के बैंक खातों में 1522 करोड़ रुपए की राशि का ऑनलाइन अंतरण किया। और मुहर्रम आज छत्तीसगढ़ सहित देश भर में शांति और सद्भावना के साथ मनाया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के सोमनाथ में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें सोमनाथ मार्ग, सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र और प्राचीन सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्मित परिसर शामिल हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने श्री पार्वती मंदिर की आधारशिला भी रखी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के प्राचीन गौरव सोमनाथ मंदिर को पुनर्जीवित करने में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का अहम योगदान रहा है। श्री मोदी ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि देश की आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों को आगे बढ़ा रहे हैं और मंदिर को भव्यता प्रदान कर रहे हैं। सरदार साहब सोमनाथ मंदिर को स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र भावना से जुड़ा हुआ मानते थे। ये हमारा सौभाग्य है कि आज आजादी के 75वें साल में, आजादी के अमृत महोत्सव में हम सरदार साहब के प्रयासों को आगे बढ़ा रहे हैं, सोमनाथ मंदिर को नई भव्यता दे रहे हैं। आज मैं लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को भी प्रणाम करता हूं, जिन्होंने विश्वनाथ से लेकर सोमनाथ तक कितने ही मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। प्राचीनता और आधुनिकता का जो संगम उनके जीवन में था, आज देश उसे अपना आदर्श मान करके आगे बढ़ रहा है। उल्लेखनीय है कि सोमनाथ मार्ग का विकास 47 करोड़ रुपए की लागत से तीर्थस्थल पुनरुद्धार और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान के तहत किया गया है। पर्यटन सुविधा केंद्र परिसर में निर्मित सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र में प्राचीन मंदिर के भाग प्रदर्शित किए गए हैं। प्राचीन सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्मित परिसर का निर्माण कार्य श्री सोमनाथ ट्रस्ट ने 3.5 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया है। नारायणपुर जिले में आज माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बल के 2 जवान शहीद हो गए। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि नारायणपुर और बारसूर मार्ग में आईटीबीपी 45वीं बटालियन की ई कंपनी के जवान रोड ओपनिंग के लिए निकले हुए थे। इसी दौरान करिया मेटा कैंप से कुछ ही दूरी पर घात लगाए बैठे माओवादियों ने एम्बुश लगाकर जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बल के जवानों ने भी माओवादियों पर जवाबी कार्रवाई की। इस मुठभेड़ में आईटीबीपी के असिस्टेंट कमांडेंट सुधाकर शिंदे और सहायक उप निरीक्षक गुरमुख सिंह शहीद हो गए। हमले के बाद माओवादी AK-47 हथियार, 2 बुलेट प्रूफ जैकेट और वॉकी टॉकी भी लूट कर ले गए। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने आसपास के इलाके में सर्चिंग अभियान तेज कर दिया है। देश में अब तक 57,16,00,000 से अधिक कोरोना रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 44,39,00,000 से अधिक पहली और 12 करोड़ से अधिक दूसरी डोज शामिल है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 58,31,00,000 से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। 81,10,000 से अधिक और टीके जल्द ही उन्हें दिए जाएंगे।
इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है। प्रदेश में अब तक 1,37,92,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 1,15,000 से अधिक पहली और 29,76,000 से अधिक दूसरी डोज दी गई है। प्रदेश में 45 वर्ष से अधिक के 91% लोगों को कोरोना से बचाव का पहला टीका लगाया जा चुका है। इसी प्रकार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में भी लगातार सुधार आ रहा है। वर्तमान में पॉजिटिविटी दर 0.18% है। वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या 1,000 से नीचे पहुंच गई है। कल प्रदेश भर में कोरोना के 61 नए मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में भी देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती को आज सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में स्वर्गीय राजीव गांधी के तैलचित्र पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत सहित मंत्रिमंडल के सदस्यों ने सद्भावना दिवस की शपथ ली। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के धान और गन्ना उत्पादक करीब 21 लाख किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 1,522 करोड़ रुपए की इनपुट सब्सिडी का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर गोधन न्याय योजना के अंतर्गत पशुपालकों से क्रय किए गए गोबर और गौठान समितियों और महिला समूहों को 9 करोड़ रुपए की राशि का ऑनलाइन अंतरण भी किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राजीव आश्रय योजना के हितग्राहियों को पट्टे भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने आज रायपुर कलेक्ट्रेट परिसर के पास नवनिर्मित मल्टी लेवल पार्किंग सहित विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। और आज राजीव गांधी किसान न्याय योजना और राजीव आश्रय योजना और गोधन न्याय योजना तीनों हम लोगों ने किया है। राजीव आश्रय योजना में भिलाई के सैकड़ों हितग्राहियों को उससे लाभ मिला है और 22 लाख किसानों को के खाते में 1500 करोड़ रुपये राशि डाली गई और वहीं करीब 2.25 लाख जो गौपालक हैं उसे भी राशि अंतरण की गई, उसके खातों में राशि अंतरण की गई। आज मल्टी स्टोरी जो पार्किंग जो कलेक्ट्रेट और कोर्ट में जो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती थी, पार्किंग की बड़ी समस्या थी, उसको ध्यान में रखते हुए बहुत सुंदर करीब 450 बड़ी गाड़ियां और 250 छोटी गाड़ियां वहां पार्क किए जा सकती है, उसे लोकार्पित किया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने विधानसभा परिसर के सेंट्रल हॉल में स्थित स्वर्गीय राजीव गांधी के तैलचित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर डॉ. महंत ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी भारत में सूचना क्रांति के जनक माने जाते हैं। राजीव जी की जयंती पर छत्तीसगढ़ विधानसभा की ओर से हम लोग उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। भारत के नौजवानों को नया रास्ता दिखाने में, भारत के नौजवानों के लिए भारत देश बनाने में उनका जो योगदान है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। 28 वर्ष के नागरिकों को जो उनके द्वारा मत देने का अधिकार दिया गया और साथ ही साथ गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए ग्रामीण व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायत राज, ये दोनों दिशा में उन्होंने जो भारत को दिया है। वहीं स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर राजधानी रायपुर में सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। इसी तरह प्रदेश के अन्य जिलों में भी अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों में अशुराए मुहर्रम आज शांति और सद्भावना के साथ मनाया जा रहा है। इसी दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथी शहीद हुए थे। उन्होंने करबला में सच्चाई, पवित्रता और न्याय के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था। कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए ज्यादातर स्थानों पर पारंपरिक ताजिया जुलूस बड़े पैमाने पर नहीं निकाले जा रहे हैं, लेकिन करबला के शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए मजलिस या धार्मिक आयोजन सीमित लोगों की उपस्थिति के साथ किया जा रहा है।
इधर छत्तीसगढ़ में भी करबला के शहीदों की याद में मनाया जाने वाला मुहर्रम का पर्व पूरी सादगी और अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। भिलाई व दुर्ग में इस मौके पर ताजियों का निर्माण कर इमामबाड़ों में ही रखा गया है, जहां अकीदतमंद पहुंचकर ताजिये की जियारत और फातिहा ख्वानी कर रहे हैं। भिलाई में करीब 24 कमेटियों द्वारा अलग अलग स्थानों में ताजियों का निर्माण कराया गया है। इस दौरान आज जुम्मे की नमाज के बाद मस्जिदों में आशूरा की विशेष दुआ पढ़ी गई। भिलाई के सेक्टर 6 स्थित जामा मस्जिद के इमाम हाफिज मोहम्मद इकबाल अंजुम ने नमाजियों को ये दुआ पढ़ाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि करबला में इमाम हुसैन की शहादत सच्चाई की राह पर चलने का पैगाम देती है। मैदान में जो है अपने और अपने खानदान को उन्होंने अल्लाह की राह में शहीद किया और वह उन्होंने ये पैगाम दिया कि कभी भी जो है बातिल के हाथ पर हाथ न देना, अपना सर दे देना लेकिन बातिल के हाथ पर हाथ मत देना और हमेशा सच्चाई का दामन थामे रखना, हमेशा सच्चाई का साथ देना और हमेशा सच्चाई के फ़रोग के लिए कोशिश करते रहना, हमेशा बुराइयों के खिलाफ खड़े रहना। इसके लिए तुम अगर अपनी कुर्बानी देनी पड़े तो इसके लिए तुम अपनी कुर्बानी भी दे दो, अपने बच्चों को कुर्बानी देनी पड़े अपने बच्चों को भी कुर्बान कर दो, लेकिन हमेशा सच्चाई का साथ देना। इस दौरान प्रदेश भर में मातमी जुलूस निकाले गए। भिलाई में भी इस दौरान ताजियों के साथ जुलूस निकाला गया। करीब 25 अखाड़ा और ताजिया कमेटियों के साथ निकाले गए जुलूस में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए हर संभव प्रयास में जुटी हुई है और आधुनिक तकनीकी उपकरण किसानों को मुहैया करा रही है। वहीं कृषि वैज्ञानिक इन उपकरणों का प्रदर्शन कर किसानों को उन्नत खेती करने के गुर बता रहे हैं। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले के कृषि विज्ञान केंद्र सुरगी में एग्री ड्रोन तकनीक का प्रदर्शन कर धान फसल में नैनो यूरिया खाद का छिड़काव किया गया। इस पद्धति से किसान कम लागत में अधिक पैदावार ले सकते हैं। इंदिरा कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के कृषि वैज्ञानिक और कृषि विज्ञान केंद्र सुरगी के प्रमुख डॉक्टर B.S. राजपूत ने बताया कि इस तकनीक के माध्यम से किसान कम पानी के साथ साथ कम लागत में अच्छी फसल की पैदावार ले सकेंगे। फसलों में छिड़काव कैसे किया जा सकता है इसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। चूँकि आज जो है खेती में जो है लागत बढ़ रही है, उस लागत को कैसे कम किया जाता है इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र राजनांदगांव सतत प्रयासरत है और इसके लिए नई नई जो है चीज़ें जो है ऐसे कृषि उपकरण है या जो है इस प्रकार की मशीनरी है उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के बीच में ले जा रहे हैं। चूँकि एग्री जो ड्रोन है जो है इसके द्वारा जो है खेती की लागत को कम किया जा सकता है, कम लागत में कम समय में और जो है ज़्यादा एरिया का जो है कवर किया जा सकता है और मौसम विपरीत होने पे भी इसका छिड़काव किया जा सकता है और इसमें एक दिन में जो है ये करीब जो है हजारों हेक्टेयर एरिया जो है कवर कर सकता है और इसका जो है जो रेंटल बेसिस पे भी जो किसान भाई इसको जो है 400 रुपये जो है पर एकड़ के हिसाब से इसका जो है रेंट जो है देकर भी जो है करा सकते हैं और इस तकनीक का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर जो है किसान भाई जो है ज्यादा से ज्यादा लाभ लें। डॉक्टर राजपूत ने यह भी बताया कि इस ड्रोन की कीमत 6.5 लाख रुपए है। इस एग्री ड्रोन के द्वारा सभी प्रकार के उर्वरक, कीटनाशक, फफूंदनाशक और रसायनों का छिड़काव किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्धों को मदद पहुंचाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय वयोश्री योजना शुरू की है। इसके तहत शारीरिक रूप से अक्षम वृद्धों को सरकार की तरफ से व्हीलचेयर तथा अन्य सहायक उपकरण दिए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भी 387 हितग्राहियों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। दुर्ग में हितग्राहियों को व्हीलचेयर और अन्य सहायक उपकरण वितरण के लिए 4 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में जिले के धमधा, पाटन, भिलाई सहित दुर्ग के 387 वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लिया। शिविर में आए हितग्राहियों और उनके परिजनों ने बताया कि इस योजना के तहत विभिन्न प्रकार के उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं, इससे उन्हें काफी लाभ मिल रहा है। मुझे जब इस योजना का पता चला तो अपने पिताजी को मैं लेकर के आया यहाँ पे और उनके साथ कई एक समस्याएं थी उम्र के साथ, कानों की उनको बहुत तकलीफ थी
आंखों में दिक्कत थी, चलने फिरने में उनके घुटने जवाब दे रहे हैं, तो वो एक समस्या थी। यहाँ पे आने के बाद इन सारी चीज़ों का निदान जो है एक एक करके इस योजना के तहत मिला है, जिसमें कान की मशीन मिली है, आंखों के लिए चश्मा मिला है और छड़ एक जो रहती है छड़ी वो दी गई है। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा एक ये फायदा हो रहा है, योजना है ये। इनको इनके दांत पूरे गिर गए थे, चलने में भी तकलीफ थी, कानों से सुनाई नहीं देता था और आंखों से भी कम दिखाई देता था, लेकिन अभी केंद्र सरकार से ये सारी सुविधाएं, कान नाक और गले का जो ये दांतों का सेट दिया है, उससे काफ़ी बदलाव आएगा और आने वाला है। समाज कल्याण विभाग के उप संचालक डीपी ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार की राष्ट्रीय वयोश्री योजना उन गरीब वरिष्ठ नागरिकों के लिए है जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं और जिन्हें सहायक उपकरणों की जरूरत है। सहायक उपकरण उन्हें निःशुल्क प्रदान किए जा रहे हैं। एक शासन द्वारा वयोश्री योजना संचालित किया जा रहे हैं। वयोश्री अंतर्गत शासन को द्वारा विभिन्न जो सहायक उपकरण उपलब्ध कराते हैं निःशुल्क गरीब तबके के लोगों को, जिसमें आँख के लिए चश्मा, कान के लिए श्रवण यंत्र, दांत के लिए दांत नकली दांत भी बनाया जाता है, एवं व्हील चेयर, वॉकिंग स्टिक, वॉकर, सभी जो निर्धन व्यक्तियों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। इन्हीं योजनाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एवं प्रचार प्रसार के माध्यम के लिए विभिन्न जिले अंतर्गत 4 स्थानों पर शिविर का आयोजन किया गया था। इस योजना का लाभ 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग ही ले सकते हैं। इसके लिए पंजीकरण कराने वाले को जन्म तारीख से संबंधित कागजात दिखाने होंगे। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।